नमस्ते इंडिया, मैं रोहित फ्रॉम रोहित नेचुरल बॉडी बिल्डिंग। दोस्तों मैं एक नेचुरल एथलीट एंड फिटनेस मोटिवेटर। दोस्तों हमारे चैनल के ऊपर बहुत सारे जिम अनबॉक्सिंग वीडियो भी हो चुके हैं, बहुत सारे डाइट और फिटनेस रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मैं डालता रहता हूँ। अगर इन सारी चीज़ को आप देखना चाहते हैं तो मेक श्योर हमारे वीडियो को पहले देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें प्यार देते रहिए। दोस्तों आपके रिक्वेस्ट के वजह से आज मैं आपको एक डाइट प्लान देने के लिए जा रहा हूँ जो है मसल्स बिल्डिंग डाइट प्लान। और ये जो डाइट प्लान होगा बिल्कुल देसी डाइट प्लान होगा, आपके घर पे सारे चीज होगा, बिल्कुल ये मसल्स बिल्डिंग डाइट प्लान होगा और इससे आप प्योर मसल्स मास गेन कर सकते हैं। डिटेल्स बताऊंगा, ब्रेकफास्ट पे क्या है, मिड मॉर्निंग पे क्या है, लंच डिनर और प्री वर्कआउट आफ्टर वर्कआउट का जो मील है बिल्कुल इस वीडियो में आपको मैं देने वाला जा रहा हूँ। और ये एक डिसेंट और हेल्दी फिजिक को अचीव करने के लिए ये डाइट प्लान है। और ये आप बिल्कुल लो बजट पे, अगर आप एक बिगिनर है, आप एक हॉस्टलर है, आपके पास बजट नहीं है, आपका पेरेंट्स आपको ज़्यादा पैसा नहीं दे रहे हैं प्रोटीन के लिए, तो ये आपको हेल्पफुल कर सकता है। दोस्तों तो बिल्कुल वीडियो को देखते रहे एंड तक और मजा लेते रहिए। हमारा ब्रेकफास्ट मील अभी रेडी है, मैं आपको दिखाऊंगा कि क्या इंग्रेडिएंट्स में उसमें डाला। पहले दोस्तों मैं लूंगा काला चना जो मैं रात को भिगो के रखा था, और उसके बाद मूंग। दोस्तों मैं जो गाजर कट के रखा था उसको भी डालूंगा, और उसके बाद थोड़ा सा ककुम्बर, और दोस्तों थोड़ा सा ऑनियन और थोड़ा सा कैबेज। उसके बाद दोस्तों थोड़ा सा टमाटर भी डाल दूंगा, और जो उसको टेस्ट को एनहांस करने के लिए थोड़ा मूंगफली, थोड़ा सा दोस्तों कोरिएंडर लीप थोड़ा मैं डाल दूंगा टेस्ट के लिए, और थोड़ा सा आपके स्वाद के अनुसार थोड़ा सा सॉल्ट, और उसके बाद जो थोड़ा सा जो आपका चाट मसाला है उसको भी मैं डाल दूंगा, ताकि थोड़ा खाने में थोड़ा अच्छा हो, थोड़ा टेस्ट बने रहे, खाने के लिए भी कोई दिक्कत ना हो। तो और लास्ट को हम डालेंगे लेमन का जूस जो हमारा मेटाबॉलिक को रेट को फास्ट करेगा और फैट लॉस के दौरान भी काम पे आएगा। तो टोटल ये था हमारा ब्रेकफास्ट मील, बहुत ही आसान है और ईजिली आप इसको खा सकते हैं। दोस्तों चलिए इस मील को मैं खाता हूँ, बहुत भूख लगा है। ब्रेकफास्ट के बाद आपको मल्टीविटामिन लेना है, किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं, मेरे पास यहाँ पे हेल्थ कट का है तो मैं ये ले रहा हूँ, बहुत ही अच्छा है। इसके बारे में डिटेल्स कंप्लीट वीडियो में बना चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, चेक कर लीजिए। इसमें आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा, आपका डेली रिक्वायरमेंट जो मैग्नीशियम है, पोटासियम है, जितना भी मिनरल्स ये फुलफिल यहाँ से आपका हो जाएगा। दोस्तों हमारा मिड मॉर्निंग मील रेडी है, यहाँ पर मैं लूँगा एक लार्ज साइज का एक बनाना, और उसके साथ मैं लूँगा 20 ग्राम ओट्स, यानी आप 3 चम्मच ओट्स यहाँ पे ले सकते हैं। और रात में मैं भिगो के रखा था चिया सीड, उसको मैं 2 चम्मच यहाँ पे लूँगा, और उसके साथ ऐड करूँगा दही यानी कर्ड, और फिर थोड़ा सा मैं सिनेमन का पाउडर यहाँ पे डालूँगा, और फ्लैक्स सीड थोड़ा सा डालूँगा, और इसको ब्लेंडर में ब्लेंड करना है अच्छे से, और एक बाउल पे डालना है। आप देख सकते हैं ये हमारा जो स्मूथी है ये बिल्कुल रेडी है। गार्निशिंग के लिए थोड़ा सा बनाना जो बचा था उसको मैं डाल दिया हूँ, और थोड़ा सा कर्नफ्लैक्स, और उसके साथ थोड़ा सा फ्लैक्स सीड भी ऐड करूँगा। दोस्तों ये बहुत ही अच्छा मील है, इसमें आपको हेल्दी फैट्स मिलेंगे, प्रोटीन मिलेंगे और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स मिलेंगे, बहुत ही बेहतरीन मिड मॉर्निंग मील आपके लिए है। दोस्तों अभी हम आ गए हैं हमारा लंच मील के लिए, जो सबसे इम्पोर्टेंट मील है हमारा, क्योंकि दिन भर में जितना भी हम काम करते हैं जो जितना पावर हमें आता है वो लंच के मील से ही आता है। दोस्तों ये आप देख सकते हैं मेरा ये लंच का मील है, बिल्कुल बहुत ही देसी मील है। आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे वाइट राइस का इस्तेमाल कर रहा हूँ, अगर आपका आपका चॉइस है आप यहाँ पे ब्राउन भी यूज कर सकते हैं अगर आपका डायबिटीज़ है, मगर इजीली आप वाइट राइस इस्तेमाल करें, डाइजेशन अच्छा होगा, जल्दी होगा। इसके ऊपर डिटेल वीडियो में बना चुका हूँ, वो भी आप देख सकते हैं। यहाँ पे मेरे पास जो भी वेजीज है, आलू और बीन्स है, यहाँ पे चिकन ब्रेस्ट है, और मैं मूंग दाल यहाँ पे यूज किया हूँ, और ये जो है सबसे अच्छा सलाद, सलाद में लेमन यूज किया हूँ, और यहाँ पे ऑनियन है, यहाँ पे टमाटर है, यहाँ पे दही है, यहाँ पे गाजर है, बिल्कुल लो फैट वाला फूड सब है और अच्छा फूड है। ब्रेकफास्ट के बाद लेंगे हम फिश ऑयल जो हेल्थ कार्ड का है, अगेन बहुत ही अच्छा है आपका हार्ट के लिए, आपका जॉइंट्स लिगामेंट्स के लिए, बहुत ही आप अगर बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं, मसल्स गेन कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छा है। तो लंच के बाद एक गोली आपको ये चबा जाना है। मेरा प्री वर्कआउट ड्रिंक के लिए मैं यहाँ पर छोटा सा एक रेड बीट को चॉप किया हूँ,
और दो पोमीग्रेनेट को यहाँ पे रखा हूँ। अब इसे हम ब्लेंडर में ब्लेंड करेंगे। विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी और आपको यहाँ पे विटामिन B6 मिलता है और आयरन भी मिलता है, मैग्नीशियम मिलता है। यहाँ पे आपको थोड़े बहुत शुगर मिलते हैं मगर वो ठीक है क्योंकि आप अगर वर्कआउट करते हैं तो आपको थोड़ा बहुत सिंपल कार्ब चाहिए। गाइस बहुत ही अच्छा ड्रिंक है, आप इसे प्री वर्कआउट में शामिल कीजिए आपके डाइट में। दोस्तों थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स भी आपको लेना है ताकि एनर्जी आपको थोड़ा सा लगे और जिम पे आपका वर्कआउट बहुत ही बेहतर रहे। दोस्तों अब हम आ गए हैं हमारा पोस्ट वर्कआउट मील में। अब मेरा पास है एग्स और बनाना, मैं यहाँ पे 3 एग व्हाइट का इस्तेमाल किया हूँ। अंडे जो है उसमें प्रोटीन भर के रहते हैं और अमीनो एसिड भी हैं जो हमारा है मसल के अंदर जाके उसे डेवलप करेगा, रिपेयर करेगा। ये जो मील देखते हैं ये बहुत ही लो बजट मील है। प्रोटीन कंटेंट को बढ़ाने के लिए दोस्तों मेरे पास है प्रोटीन एक्स। दोस्तों आप इसको पोस्ट वर्कआउट पे यूज कर सकते हैं, आप जो भी मिल ले रहे हैं इसके साथ आप इसको ऐड कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा है। प्रोटीन कंटेंट आपका थोड़ा बढ़ जाएगा, आपको अच्छा फील होगा, मसल्स ग्रोथ पे भी ये हेल्पफुल रहेगा डेफिनेटली। और आपको आप यहाँ पे थोड़ा सा वार्म वाटर पे भी ले सकते हैं, अगर थोड़ा सा बजट ज़्यादा है तो आप मिल्क के साथ भी ये कंज्यूम कर सकते हैं। दोस्तों हमारा डिनर का मील है वो मेरा रेडी है। जैसे कि मैं यहाँ पर रोटी और दाल का तड़का रखा हूँ, ये कंप्लीट सोर्स ऑफ प्रोटीन है। तो आप ओट्स ले सकते हैं, दलिया ले सकते हैं या आप रोटी ले सकते हैं जो होल व्हीट से बना हो। अभी मैं इसे खाने वाला हूँ। डिनर मील में मैं यहाँ 2 होल व्हीट का चपाती लिया हूँ और मेरा पास है दाल तड़का जिसमें हम राजमा, मूंग दाल, सोयाबीन, बहुत सारी तरह की जो दाल है हमारा यहाँ पे मैं डाला हूँ। डिनर मील बहुत ही लाइट मील है और हमें मिल जाता है यहाँ पे रोटी से फाइबर, यहाँ से मिल जाता है हमें प्रोटीन। तो ये कंप्लीट मील है डिनर के लिए। अभी ये लास्ट मील है, ये तो मील नहीं कहूँगा, ये एक ड्रिंक है जो मैंने बनाया है दूध और अश्वगंधा मिक्स करके। बेड से जाने से पहले ये ड्रिंक हमें लेना है। दूध है इसमें जिसमें कैसिन प्रोटीन है, आप सभी को पता होगा कैसिन प्रोटीन स्लो डाइजेस्टिव प्रोटीन है। रात भर में जब हम सो रहे होंगे तो कैसिन प्रोटीन हमें स्लोली प्रोटीन देगा। दूध में कैल्शियम है और इसके साथ हम डालेंगे अश्वगंधा, 1 चम्मच अश्वगंधा हम डालेंगे।